नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। कोरोना वायरस जैसे महामारी को हराने के लिए डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सीआईएसएफ के जवान देखा जाए तो एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता इस वक्त इन योद्धाओं को सलाम कर रही है। ऐसे में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो समय समय पर ऐसे विज्ञापन करते रहते हैं जिसके जरिए वो लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करते हैं, अब उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों को शुक्रिया कहा है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और आज मैं कुछ अपने सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। सीआईएसएफ के जवान गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स और यूनिट की सिक्योरिटी करते हैं। आप लोग भी उनसे मिले होंगे। वो लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे होते हैं, मेट्रो की सिक्योरिटी पे होते हैं और कई जगहों पे होते हैं। और आज इस महामारी के समय सीआईएसएफ पूरी तरह से लगी हुई है फ्रंट लाइन पर एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करने, चाहे वो मास्क बांटना हो या खाना डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर प्रोटेक्टिव गियर को बांटना हो। सुबह शाम ये लोग लगे हुए रहते हैं और इसकी वजह से भगवान ना करे उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, उनके परिवार को भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग सेल्फलेसली अपनी ड्यूटी पे डटे हुए। शायद हम उतनी बार कहते नहीं, लेकिन आज उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हमें उन पर कितना गर्व है और उनके इस प्रयास को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सच में आप हैं तो आज हम घर पर सुरक्षित हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद। बताते चले कि उनकी इस वीडियो को शेयर करते हुए सीआईएसएफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, हम अक्षय कुमार का आभार व्यक्त करते हैं इस प्रोत्साहन के लिए। निश्चित रूप से ये सीआईएसएफ के कोरोना वॉरियर्स को पूरे समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्रिया। बात करें अक्षय के वर्क फ्रंट की तो मार्च में उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रिलीज टल गई। इसके बाद उनकी अगली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की चर्चा चल रही है।